नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं आशीष अंदा रिव्यू। तो फाइनली अभी मैंने देखा किंग ऑफ कोटा, जो इसके स्टारर हैं दुलकर सलमान और इसके विलन है जो शब्बीर, जो बहुत ज़बरदस्त किरदार उनका दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर भी हैं। और दुलकर सलमान की तो बातें भाई सब जानते हैं, बहुत शानदार एक्टर हैं। उनकी पिछली मूवी सीतारमन जो मूवी रिलीज़ हुई थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और ये मूवी लगभग, ये मूवी 50 करोड़ के बजट में है, गूगल पर तो यही दिखा रहा है। और 25 अगस्त को ये मूवी रिलीज़ होगी। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं अभिलाष जोशी, जो एक शानदार डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छा इन्होंने इस मूवी को बनाया ऐसा लगता है। और ये मूवी मलयालम मूवी है बेसिकली, और ये पैन इंडिया रिलीज़ होगी, तो मतलब सभी लैंग्वेज में ये रिलीज़ होने वाली है। और चलिए मूवी, चलिए टीज़र की बात कर लेते हैं। तो टीज़र बहुत शानदार था, बहुत ज़बरदस्त था, कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छा था, दशहरा से थोड़ा रिलेटेड था, मतलब जो भी, मतलब शानदार था। इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। और सिनेमाटोग्राफी, या सिनेमाग्राफी सिनेमाटोग्राफी बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। और बस क्या है, और टीजर में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है। हाँ, जिसमें थोड़ा बहुत दिखाया गया है कि एक राजा रहते हैं जो अपने अपने गांव, अपने देश से बाहर रहते हैं, जो पब्लिक उनका वेट कर रही रहती है, क्योंकि जो शब्बीर हैं वो विलन रहते हैं, उनको प्रताड़ित करते रहते हैं। और तो पब्लिक अपने राजा, अपने किंग ऑफ कोटा को याद कर रहे रहते हैं कि भाई ये आएंगे और हमें विलन से बचाएंगे बेसिकली। और जैसे मूवी होती है वैसे ऐसे ही है। ओवरऑल ये मूवी अच्छी लग रही है और दुलकर सलमान बेहतरीन एक्टर हैं, तो ज़रूर कुछ धमाल होने वाला है। इसका टीजर अभी दिखाया गया है, इसका ट्रेलर आएगा तब फिर बात किया जाएगा। उसे बता दें 25 अगस्त को रिलीज़ होगी मूवी। बाकी जब ट्रेलर आएगा तब बात करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।